वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीजिए सिविल विद सलमान। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक न्यू ओवरहेड वाटर टैंक की ड्राइंग रीड करना सिखाऊंगा, जिसकी कैपेसिटी 250 केएल है और स्टेजिंग 16 मीटर है। ये जो स्क्वायर राफ्ट हमारी है, इसमें 9 कॉलम्स रहने वाले हैं। स्क्वायर राफ्ट का एक कमेंट आया था कि सर स्क्वायर राफ्ट की हम लोग मार्किंग कैसे करेंगे, स्टार ग्रिड कैसे बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जीक्यूशन से लेके टैंक के स्लैब तक जो भी जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सारी डिटेल्स मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। और अगर आप अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं कहीं जल जीवन मिशन में या अदर स्ट्रक्चरल ड्राइंग अदर स्ट्रक्चर में, तो आपको वहाँ पे स्ट्रक्चरल ड्राइंग रीड करना आना ही चाहिए, तभी आपको जॉब्स में जो प्रायोरिटी है वो मिलेगी। क्योंकि एज ए साइट इंजीनियर आपको ड्राइंग रीड करना और उस काम को एग्जीक्यूट कराना आना चाहिए, वो भी कॉन्फिडेंट के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग साथ में बने रहिएगा। इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ड्राइंग में रीड करने से पहले क्या देखना होता है, हमें देखना होता है टॉप रेनफोर्समेंट एंड बॉटम रेनफोर्समेंट। तो इस ड्राइंग में हमारा जो भी जो हमारी ब्लैक लाइन दिख रही है, दिस इज़ आवर बॉटम रेनफोर्समेंट, एंड जो डॉटेड है वो लाइन्स हमारी इंडिकेट करती हैं टॉप बार्स को, ठीक है। डबल मेस ये रहने वाली है, टॉप में भी मेस रहेगी, बॉटम में भी मेस रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग इस स्ट्रक्चरल ड्राइंग को रीड करने से पहले हम लोग इसके लिए इसका फाउंडेशन खुदवाएंगे, उसके बाद PCC करेंगे और उसके बाद हम लोग उस पर राफ्ट बंधवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, हमारी जो डिस्टेंस होती है, सबसे पहले हम लोग एरिया देखते हैं। एरिया में जिस हिसाब से प्लॉट दिया गया होता है उस हिसाब में उसमें जो हमारी ओवरहेड वाटर टैंक की लोकेशन होती है वो इंडिकेट रहती है कि वहाँ पे आपका ओवरहेड वाटर टैंक बनना है। याद रखिए आपका बाउंड्री वाल से 3 मीटर डिस्टेंस, सपोज दैट ये हमारी बाउंड्री वाल अगर जो है, ठीक है, तो उससे लगभग 3 मीटर मिनिमम 3 मीटर दूरी से ही हमें खुदवाना है, अदरवाइज आपकी जो बाउंड्री वाल है उसकी फाउंडेशन कोलैप्स कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, हमेशा बाउंड्री वाल से 3 मीटर मिनिमम 3 मीटर डिस्टेंस लेके ही हम लोगों को एग्जीक्यूशन कराना है। तो सपोज दैट हमारी जो राफ्ट की लेंथ है वो हमारी 10602 है, ठीक है, ये राफ्ट की लेंथ है। इसमें हम लोग 100 mm और ऐड कर देंगे, उसके बाद हम लोग इसका एग्जीक्यूशन करवाएंगे। तो एग्जीक्यूशन कराने टाइम हम लोग इसका लगभग 1 मीटर एक्स्ट्रा एग्जीक्यूशन कराएंगे चारों तरफ, ताकि जब हम लोग इसका लेआउट करें तो उस टाइम पे हमें अगर थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट करना है तो वो एडजस्ट हो जाए। अगर आप एग्जैक्ट उतना ही खुदवा देंगे और बाद में वो आपको राइट एंगल में नहीं मिल पा रहा है तो फिर आपके लिए दिक्कतें होंगी, ठीक है। बाद में आपको उसकी ड्रेसिंग कराने पड़ेगी और उस पर आपको डांट या फटकार भी पड़ सकती है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, ठीक है। सबसे पहले एग्जीक्यूशन करा लेंगे, हमेशा एक मीटर एक्स्ट्रा मान के एग्जीक्यूशन करा देंगे, ठीक है। और वन साइड में कहीं में स्टेयर स्लोप टाइप में कटवा देंगे, जहाँ से हमारा जो लेबर से वो नीचे जा सके। इतना करने के बाद आप लोगों को जो PCC करानी है वो आपको हमेशा राइट एंगल में करानी है, क्योंकि ये हमारी 10602 की राफ्ट है, तो उस हिसाब से 100 mm एक्स्ट्रा हम लोग PCC करवा देंगे, ठीक है। PCC की थिकनेस जो भी है वो 150 mm मिनिमम होनी है, ठीक है। 150 mm हो सकती है, 100 mm PCC हो सकती है, ठीक है, तो वो एज पर ड्राइंग रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को 10602 का हमने एक स्क्वायर बनाया। सबसे पहले एक साइड में धागा बांधेंगे, ठीक है, ये धागा बंध गया मान के चलो, एक इधर धागा बांध गया 1 मीटर के अंदर। जैसे ये हम 1 मीटर एक्स्ट्रा खुदवाया है तो उसी पे हम लोग एक धागा बांध लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग राइट एंगल मिला के इधर को भी लाइन एक धागा बांधेंगे और इससे इसका राइट एंगल चेक कर लेंगे। राइट एंगल चेक करने के बाद हम लोग इसका पूरा मार्किंग कर देंगे PCC की, उसके बाद PCC हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी बारी आती है राफ्ट की, ठीक है। तो राफ्ट में हम लोग क्या करते हैं कि राफ्ट की मार्किंग के टाइम हम लोग इसके कॉलम्स की पोजीशन मार्किंग करेंगे सबसे पहले। तो कॉलम्स की पोजीशन देखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले 4 कॉलम्स मार्क करने होंगे, 1 2 3 4।
ये हमारे चार कॉलम हम पहले मार्क करेंगे और इनको प्रायोरिटी पे रखेंगे कि इसमें जो इरर है वो 1 या 2 mm से ज़्यादा ना हो। ठीक है, जितनी कम इरर रहेगी उतना ही अच्छा आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये राफ्ट हो गई हमारी, मान के चलिए ये राफ्ट है। ठीक है, तो राफ्ट 1900 पे हमारा इसका सेंटर है। ठीक, तो ये हमारी 100 mm की PCC छोड़ के एक यहाँ पे एक धागा बांधेंगे इस फेस पे। ठीक है, इससे हम लोग 1900 पे मार्क करके एक धागा और बांधेंगे। ठीक है, फिर 1900 से ये जो अंदर अंदर की डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मेजर करके और यहाँ पे एक और धागा बांधेंगे ऐसे ही, और इसको राइट एंगल चेक करेंगे इस धागे को, इस धागे से जो हम बाद में धागा बांधेंगे 1900 इसके बीच में, इसका राइट एंगल चेक करेंगे और ये धागा बांधेंगे, सेम मेथड से ये भी धागा बांधेंगे। उसके बाद हम लोग इसका राइट एंगल चेक करेंगे। ठीक है, ये राइट एंगल चेक करेंगे और इसका जो हाइपरटेनियस है ये भी चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे दोनों साइड पे। ठीक है, वो इक्वल आनी चाहिए डिस्टेंस, तो आपका जो कॉलम्स के जो हमारे ये कॉर्नर के कॉलम्स हैं इनकी पोजीशन एग्जैक्ट आ जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर की डिस्टेंस दी गई है। ठीक है, जो भी दी गई 3401 दी गई है, 3401 पे एक और पॉइंट मारेंगे और उसके बाद चेक करेंगे इस कॉलम को, सेंटर को, ये 3401 आ रहा नहीं आ रहा। 2-4 mm का इरर आ रहा तो उसका कोई इशू नहीं है, वो हो जाएगा। अगर ज़्यादा इरर आ रहा है तो आपको फिर से लेआउट करना पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारे चारों तरफ की लेआउट कर देंगे हम लोग, इस तरफ का भी सेंटर निकाल लेंगे, इस तरफ का सेंटर निकाल के चेक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से एक बार क्रॉस चेक करेंगे जब हम लोग इसका रेनफोर्समेंट बांधेंगे। आपको क्रॉस चेक जरूर करते रहना है टाइम टू टाइम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका रेनफोर्समेंट बिछाना है। तो रेनफोर्समेंट डिटेल्स जानने के लिए हम लोग जाते हैं इसके क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन हमारा सेक्शन एट AA दिया गया है। सेक्शन एट AA हम लोग ड्राइंग में देखेंगे कहाँ पे, तो राफ्ट का सेक्शन एट AA ये देखो दिया गया है। यहाँ से कुछ हमारा ये सेक्शन कटा है, तो यहाँ से हम लोगों को ऐसे काट के दिखाया जा रहा है कि ये हमारा ऐसा दिखने वाला है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या दिया गया है। हमारा आउटर साइड जो है वो टेपर दिया गया है, ये जो 1900 mm है ये 1900, ये हमारा बाहर को टेपर में रहने वाली है राफ्ट। राफ्ट की हमारी थिकनेस क्या दी गई है, बीम प्लान फॉर फाउंडेशन राफ्ट 350 mm थिकनेस, 350 mm की हमारी थिकनेस रहेगी राफ्ट की, ये हमारी राफ्ट की थिकनेस रहेगी। और आउटर हमारा जो है वो 200 mm रहेगा, तभी हमारा टेपर में होगा, 350-200 mm की साइड लगेंगी यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ जानने के बाद हम लोग अभी देखते हैं इसका रेनफोर्समेंट। बॉटम में हमारी दो रेनफोर्समेंट बार दी गई हैं, कि ये हमारी एक ये डॉटेड वाली जो हमारी इसके अलोंग गई है और दूसरी इसकी हॉरिजेंटल वाली, ये दो लाइनें इंडिकेट की गई हैं। ये दी गई हैं 10 mm की सरिया है, 200 mm सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट लेंथ, TH का मतलब थ्रू आउट लेंथ एंड BW का मतलब होता है बोथ वेज, बोथ वेज का मतलब इधर को भी और इधर को भी। तो हमारी ये क्या है कि 200 mm की सरिया, सॉरी 10 mm की सरिया 200 mm की डिस्टेंस पे दोनों तरफ ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे बिछेंगी थ्रू आउट लेंथ, मतलब ये जो राफ्ट है इसका 50 mm कवर छोड़ के ये इधर को 50 mm को यहाँ तक आएगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये कि ये हुक भी बन रहा है, तो ये 200 mm का अगर जो राफ्ट आ रहा है तो इसका हुक भी लगभग 75 mm का होगा। तो BBS बनाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है, अभी आप लोग ड्राइंग रीड करना सीख लीजिए, BBS मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि 10 mm की 200 mm सेंटर टू सेंटर एक्स्ट्रा, ये जो हमारी बार्स दी गई हैं ये 10 mm 200 mm सेंटर टू सेंटर एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा बार कौन सी है, ये वाली, ये हमारी एक्स्ट्रा बार है। कॉलम की सेंटर लाइन जो होगी उससे 950 इधर 950 उधर, ठीक है, इतनी हमारी 1900 की कटिंग लेंथ होगी और ये हमारी बॉटम में एक्स्ट्रा बिछ जाएंगी इधर को, ये जो बीम गई है इधर गई है तो इधर इधर को बिछेगी और ये बीम गई है तो इसमें इधर को बिछेंगी। ठीक है, ऐसे ही इधर और इधर ऐसे बिछेंगी सारी बॉटम में, तो ये आपकी बॉटम का रेनफोर्समेंट हो गया। उसके बाद हम लोग टॉप का रेनफोर्समेंट देखते हैं। टॉप का रेनफोर्समेंट में क्या दिया गया है कि 10 mm की सरिया ऊपर भी है, 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दी गई है, बोथ वेज दी गई है और थ्रू आउट लेंथ दी गई है। तो सेम जैसे हमारा बॉटम का बंधा हुआ है मिस, वैसे ही टॉप का मिस बंध जाएगा। ठीक है, बस ये हमारी कॉलम के बाहर आके यहाँ पे हम लोग सरिया को हल्का बेंड कर देंगे नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हमारी ड्राइंग होगी। उसके बाद हम लोग
जो कॉलम्स की डिटेल्स होती है वो अलग देखेंगे, अभी हम लोग देखते हैं बीम्स की डिटेल्स। ये मेरा बीम्स का डिटेल दिया गया है, बीम RB1 जो हमारा है राफ्ट बीम 1 300x600, विड्थ 300 रहने वाली है और डेप्थ इसकी 600 रहने वाली है, ठीक है। इसका रेनफोर्समेंट हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या देखते हैं कि हम लोगों को टॉप में 2-3 बार थ्रू आउट लेंथ दी गई है ये एल सेक्शन में, दूसरी दो सरिया बारह की और 2 सरिया 12 की, जो हमारी 3 है वो टॉप में पड़ेंगी और 2 ये नीचे हल्का बढ़ेंगी, ठीक है, ये हमारी थ्रू आउट लेंथ जाएंगी। उसके बाद हमारी बॉटम में 3 हमारी थ्रू आउट लेंथ जाएंगी 20 की, ये हमारी 20 की सरिया जाएंगी, उसके ऊपर 2 16 की थ्रू आउट लेंथ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा रिंग जो दिया गया है, वो रिंग दिया गया 10 का रिंग है, 100 mm सेंटर टू सेंटर रिंग है हमारा, ये रिंग हमारा इसका सेक्शन एट 11 दिया गया है यहाँ पे, ये सेक्शन एट 11 दिया गया है। बीम को काट के देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, 3 हमारी ऊपर दी गई हैं 12 की, 2 12 की नीचे दी गई हैं, ऐसे ही 10 की हमें, सॉरी 3 20 की हमें बॉटम में दी गई हैं और 2 16 की। 10 का हमारा रिंग है सेंटर टू सेंटर रिंग है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, राफ्ट हो गया हमारा, राफ्ट बीम हो गई, उसके बाद अगला स्टेप हम लोगों का आता है कॉलम डिटेल्स का, तो कॉलम डिटेल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलम्स खड़े करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा कॉलम्स का डिटेल दिया गया है, टिपिकल एनफोर्समेंट डिटेल्स फॉर कॉलम्स। कॉलम में हमारा 300 का एल दिया गया है, बोथ साइड में एल दिया गया है, ठीक है। कॉलम का सेक्शन ये दिया गया है, हमारा सर्कुलर कॉलम रहेगा 400 mm डाया का है, 16 mm की 7 सरिया यहाँ पे यूज की गई हैं, 16 mm की 7 बार यूज की हैं। जो रिंग है वो 8 का है, कुछ जगह पे 925 हमारे जो बॉटम होगा वहाँ 995 पे सेंटर टू सेंटर और मिडिल में 200 सेंटर टू सेंटर, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। यहाँ से हमारा ग्राउंड लेवल ये हमारा है, यहाँ से 450 की हाइट तक हमारा 95 पे सेंटर टू सेंटर पड़ेगा, बीच में हमारा 200 टू सेंटर पे रिंग रहेगा। ऐसे ही टॉप से 450 नीचे आएंगे, वहाँ पे हमारा 95 पे सेंटर टू सेंटर पड़ेगा, ठीक है। लैपिंग जोन हमारा सेक्शन मिड में रहेगा, अल्टरनेट रहेगा लैपिंग, हम लोग कभी कहीं पे भी एक ही जगह पे लैप नहीं देंगे, सारी सरिया कुछ लैप यहाँ पे देंगे तो कुछ लैप यहाँ पे देंगे, ऐसे लैप हम लोग अल्टरनेट देंगे, ठीक है। जो स्प्लाइस जोन है वहाँ पे हमारा 8 का सरिया रहेगा 100 mm सेंटर टू सेंटर, जहाँ पे भी हमें लैपिंग की ज़रूरत होगी वहाँ पे भी हम लोग 100 mm पे जो है हमारा जो लैप है उस पे हम लोग रिंग देंगे 100 mm पे। स्प्लाइस हमारा 50D होने चाहिए, मिनिमम 50D, अगर आप 16 की बार यूज करें तो 16×85 800 mm का मिनिमम लैप देना ही है, वो भी जैगल मार के, हम लोग जिगल मार के ऐसे लैप देते हैं ना, ऐसे करके कुछ ऐसे लैप देते हैं, उसको ऐसे लैप देना है साइड पे। उसके बाद हमारे कॉलम्स खड़े हो गए, कॉलम बॉक्स हमारा राफ्ट बीम वगैरह कास्ट होने के बाद, राफ्ट कास्ट हो गई, उसके बाद बीम कॉलम्स कास्ट हो गए, फिर उसके बाद हम लोग ग्राउंड लेवल तक आते हैं। ग्राउंड लेवल पे हम लोगों को PCC के ऊपर 2 मीटर यहाँ दिया गया, तो 2 मीटर तक हम लोग कॉलम्स को लाएंगे और उसके साथ साथ हम लोगों यहाँ पे स्टार्टिंग लैंडिंग भी ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग लैंडिंग कैसे निकालेंगे कि जैसे आपका ये लैंडिंग हमारा 2 mm की हाइट तक आपने कॉलम कास्ट करा लिए, आपका फर्स्ट लैंड स्टार्टिंग लैंडिंग बीम है 400 पे, तो 400 पे ये है। इसका हम लोग क्रॉस सेक्शन देखते हैं लैंडिंग बीम का, कि लैंडिंग बीम क्या दी गई है, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपकी लैंडिंग बीम की जो लेवल है वो अगर जो गड़बड़ हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी फिर लैंडिंग बीम को सही करने में, ठीक है। तो इसलिए लैंडिंग बीम को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ये हमारा लैंडिंग बीम LB1 दिया गया है 200x400 का, ठीक है। ये लैंडिंग बीम 200x400 का है, जिसमें हमारे ऊपर 4 12 की हैं और नीचे हमारे 10 की 2 हैं, ठीक है। रिंग हमारा 8 का रहेगा, 85 mm सेंटर टू सेंटर। तो हमारा ये जो टॉप बार है ये 500 डाउन आ रहा है, तो यही चीज़ में 500 जो डाउन आ रहा है, ये L जो 500 बन के आ रहा है, ये वाला L, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे इस ड्राइंग में। यहाँ पे ये 400 है, 400 पे टॉप है इसका, इससे 25 mm कवर छोड़ेंगे, कवर छोड़ने के बाद यहाँ से हम लोग 500 mm डाउन आएंगे, तो ये लगभग 125 जो हमारी ये लैप है कॉलम का L, ये हमारा कॉलम में आ जाएगा, ठीक है।
ये कॉलम के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल तक आप लाएंगे 400 mm, उसके बाद उसके ऊपर 400 पे लैंडिंग बीम है जबकि एल हमारा 500 का है, तो ये एल नीचे आ जाएगा। इसलिए आप रेनफोर्समेंट डिटेल्स पहले बांध लीजिए, उसके बाद कॉलम कास्ट कराइए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। फिर हमारा जो लेवल रहेगा ये हमारा 00 लेवल है, ये हमारा NGL 00 है। फिर हम जो भी लेवल लेंगे यहाँ से अगले स्टेयर के हमारी 2.67 पे है, तो हम लोग यहीं से 0 से NGL से लेंगे 2.67 पे, फिर वहाँ से लैंडिंग निकालेंगे, फिर ऐसे ही हम लोग इसके बॉटम को 0 मानते हुए ये सारी लैंडिंग्स निकालेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लैडर्स का डिटेल्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि हमारी जो ब्रेसिंग्स होती हैं, सॉरी ये स्टेयरकेस हम लोग देख रहे हैं, तो स्टेयरकेस देख लें क्योंकि ये हमारा स्क्वायर राफ्ट है, तो यहाँ पे हमारी जो बीम रहेगी वो स्टार्टिंग यहाँ से होगी 400, ये हमारा फर्स्ट लैंडिंग है, तो यहाँ से हम लोग इस बीम तक आएंगे, फिर यहाँ से फिर ऐसे जाएंगे। ये बीम हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी, मैं आप लोगों को ड्रा करके दिखा रहा हूँ अगर हम कागज़ पे, ये बीम हमारी कुछ फर्स्ट स्टेप ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे एक बीम आ जाएगी, ये हमारी लैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से हमारा फिर स्ट्रेट जाएगा ऐसे, फिर ये लैंडिंग आएगी हमारी दूसरी, ठीक है। ये कुछ ऐसे रहेगा, ये हमारी ग्राउंड वाली बीम है, उसके बाद ये मिड वाली बीम है, ये थर्ड बीम है। इस हिसाब से आपको ये देखना है। उसके बाद जब हम लोग कॉर्नर पर पहुँचेंगे तो यहाँ से हम लोगों को इधर भी डोवेल्स निकालनी है सेम लेवल पर, और इधर भी डोवेल्स निकालनी है। फिर यहाँ से हमारा ऐसे बार बंद के इधर को हम लोग टर्न कर जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे आपको ड्राइंग ध्यान में रखनी है। ये हमारी 2.67 पे वाली जो हमारी मीटर पे थी वो, और ये हमारी 4.93 मीटर पे, ठीक है। ये सारे हमारे NGL से लिए जा रहे हैं 0 से, ठीक है। स्टेप का हमारा जो राइजर रहेगा वो 189 mm का रहेगा, 12 नंबर आएंगे, ये 12 स्टेप्स आएंगे, ट्रेड हमारे 11 आ जाएंगे, एक ट्रेड कम हो जाएगा, 250 mm की विड्थ रहेगी इसकी, ठीक है। 1 मीटर वाइड रहेगी हमारी यहाँ से बाहर की तरफ, 1 मीटर वाइड हमारी स्टेयरकेस रहेगी। उसके बाद हम लोग रेनफोर्समेंट डिटेल फॉर ब्रेसेस साइज BND, जो ब्रेसिंग है हमारी, ब्रेसिंग हम लोग किसे कहते हैं, ब्रेसिंग अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारी ब्रेसिंग्स हैं, ये ब्रेस वन। सो ब्रेस वन का मतलब होता है कि हमारी सारी जो ब्रेसिंग रहेंगी उनका रेनफोर्समेंट डिटेल सेम रहने वाला है, ठीक है। ये ब्रेसिंग, ये BR1 दिया गया है ब्रेस वन, जिसका साइज़ हमारा 200x400 है। किसी एक लड़के का कमेंट आया था मेरे एक वीडियो में कि हम लोगों की बीम जो होती है वो 200 mm की नहीं होती है, तो ये 200 mm की जो बीम दी गई है ये कहाँ से दी गई है। उसने मुझसे यही पूछा था कि आप रॉन्ग बताते हो, 200 mm की IS कोड प्रेफर नहीं करता है। तो इस जो ये हमारी ये जो ड्राइंग है, ये हमारी प्रॉपर एक्सियन, जो हमारे एक्सियन साहब होते हैं चीफ इंजीनियर, उन्होंने इसको अप्रूव्ड किया है इस ड्राइंग को, है ना। तब जाके ये हमारा अप्रूव्ड ड्राइंग होती है, वेटेड ड्राइंग इसको बोलते हैं। तो ये कैसे हो गई पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमारी बीम जो रहेगी ब्रेसिंग वो हमारी 200x400 की रहेगी, और इसमें डिटेल्स इसका देख लेते हैं। 200x400 की टॉप एंड बॉटम में हमारी 16 की 2 बार रहेंगी थ्रू आउट, 2 16 की बॉटम में 2 ऊपर। टॉप का रेनफोर्समेंट, टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट हमारा 16 की 2 ऊपर रहेंगी, 2 नीचे रहेंगी एक्स्ट्रा, 16 की 2 ऊपर रहेंगी, 2 नीचे रहेंगी। लेंथ चेंज हो जाएगी, ये सेम, सॉरी ये भी सेम लेंथ की पड़ेगी, ये भी सेम लेंथ की ही पड़ेगी, ठीक है। स्पेसिंग हमारी ऑफ रिंग, जो रिंग है हमारा R1 दिया गया है इसमें, ये R1 दिया गया है, इतना कॉलम के जंक्शन से 850 mm, इधर ये R1 है, बीच में R2 है, उसके बाद ये फिर कॉलम से इधर R1, वहाँ पे हमारा अप टू 80 mm होगा यहाँ पे, सॉरी 8 का सरिया है, 85 mm सेंटर टू सेंटर है, रिंग अप टू 800 mm, 850 है पहला रिंग हमारा, हमेशा 50 mm के बाद लगता है। ये भी चीज़ आप ध्यान रखनी, किसी भी बीम में आप लोग रिंग बांधते हैं तो वहाँ पे ये पॉइंट आता है कि आपका पहला जो रिंग है वो कॉलम के जंक्शन से 2 इंच छोड़ के पहला रिंग बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे आपको 85 mm सेंटर टू सेंटर पे आपके 8 रिंग आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी 800 mm पर आपको रिंग बांधने है। उसके बाद बीच में आपको क्या करना है, 175 पे रिंग बांधेगा, यानी कि ये जो R2 दिया गया है, स्पेसिंग ऑफ रिंग्स R2,
R2 के बीच में हमारी 175 पे हमारी रिंग बनेगी। सारी ब्रेसेस जो हैं हमारी वो सेम रहने वाली है, सेम ड्राइंग रहने वाली है, कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारा सेक्शन 844 क्या हो गया, ये हमारा LB2 का हो गया। LB2 हमारी कौन सी है, LB2 हमारी इसमें देख सकते हैं हमारी जो सिक्स बीम होगी हमारी, ये सॉरी LB2 हमारी सिक्स जो फाइनल बीम होती है वो हमारी LB2 होती है, उसकी भी ड्राइंग दी गई है। सेम ड्राइंग रहने वाली है, बस डाया चेंज हो सकता है। इसमें 4x12 की थी, इसमें 4x16 की होगी क्योंकि इस पर लोड ज़्यादा आता है, ठीक है। तो वही है, इसका सेक्शन दिया गया है। और उसके बाद जॉइंट, जॉइंट इतना मायने नहीं रखता है ये, ठीक है। कर दिया गया प्रिपेयर जॉइंट सरफेस, ये जॉइंट आपको ऐसे कुछ जिगल मार के देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लाइफ लेंथ और लोकेशन ऑफ, ये लो लाइफ लेंथ भी आप लोग देख चुके हैं कितनी होती है, 50D होनी चाहिए। रेनफोर्समेंट डिटेल ऑफ स्टेयर केस, ये दिया गया स्टेयर केस का डिटेल्स हम लोगों को। स्टेयर केस का डिटेल्स हम लोग देखते हैं, ये हमारी LB1 हो गई, जो हमारी LB1 बीम ये थी, ये LB1 हमारी बीम है। उसके ऊपर हम लोगों को 10 की 8 सरिया ये ऊपर बंधेगी, ये जो ऐसे गई हैं इधर को, जो ये ऐसे जाएगी, ये 10 की 8 है। बॉटम का जो स्लैब थिकनेस है वो 135 mm थिकनेस दिया गया है। बॉटम का रेनफोर्समेंट हमारा 10 की 8 सरिया दी गई हैं, टॉप में भी 10 की 8 हैं, बॉटम में भी 10 की 8 हैं। जो हमारा ये टॉप का एक्स्ट्रा आएगा, ये जो टॉप का, ये 0.15 L दिया जाएगा, फुल लेंथ का L दिया जाएगा इतना 0.45। और ये जो बॉटम से उठ के आएगी हमारी, ये टॉप में जाएगी, ठीक है। ये बॉटम से आके टॉप में जाएगी, ये हमारी 0.3 times ऑफ L, इसकी बीच की डिस्टेंस जितनी होगी इस स्टेयरकेस से इस स्टेयर के बीच की दूरी जितनी होगी उसका 0.3 L ये लेंगे और 0.15 L ये बॉटम का लेंगे, ठीक है। तो इसमें ये डिटेल्स दिया नहीं गया है कि कितनी बार साहब की ये आनी है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं दिया गया है कि कितनी डिटेल्स आनी है। तो आप लोग जनरली ये 8 आ रही हैं, 8 ये हैं, तो इसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी नहीं दी गई है कि हम लोगों की, ये सॉरी ये 200 mm दी गई है, ठीक है। ये तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी बाइंडर होती है उनकी ये डिस्टेंस दी गई है, ये 8 सरिया मिलेंगी इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, 50 उधर से 50 उधर से, तो ये 8 सरिया आ जाएंगी हमारे। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, स्लैब पे आ जाते हैं। सेम प्रोसेस स्लैब का भी रहने वाला है जो हमारा राफ्ट का था, ठीक। कॉलम्स ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद ये हमारी बीम बन जाएगी। बीम कैसे बनेगी, उसका रेनफोर्समेंट भी इधर दिया गया है। ये जो हमारी क्रॉस बीम दी गई है, ये हमारी जो ये वाली बीम है ना, ये हमारी बीम है 300x600 की, टॉप में 16x3 है, ये दोनों 16x16x3 थ्रो लेंथ है, बॉटम में 12x3 है, प्लाव और 12x2 और हैं, ये ऐसे बॉटम में बन जाएंगी। रिंग जो है 100 mm सेंटर टू सेंटर यहाँ पे दिया गया है। सेक्शन पे 3 काट के देखेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ से आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बीम बी टू दिया गया है, बीम बी टू भी सेम रहेगा ऐसे ही। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा ये सर्कुलर जो होता है सेक्शन 811, हम लोगों को सेक्शन 811 इसमें देखना है, सेक्शन 811 ये वाली बीम जो हमारी सर्कुलर बीम जाएगी ऐसे घूम के, इसके बारे में दिया गया डिटेल्स। इसका क्या दिया गया है, 10 mm की सरिया, 150 mm सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट लेंथ, ये दोनों गई हैं, सॉरी ये स्लैब का थिकनेस दिया गया है, ये यहाँ से स्लैब को काटा गया है तो स्लैब की थिकनेस हमारी देख रही है, ठीक है। स्लैब हमारी 200 mm की रहने वाली है। बालकनी हमारी 1600 mm की बाहर तक जाएगी, इधर भी 1600 mm जाएगी। उसके बाद हमारा बॉटम में 10 की सरिया, 150 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज, इसका मतलब ये है कि आप लोग यहाँ से डाया इसका मेजर करेंगे हर 150 mm पे, ये सेंटर में लेंथ मैक्सिमम होगी और जैसे सेंटर से इधर और उधर बढ़ेंगे वो लेंथ कम होती जाएगी, ऐसे ऐसे भी बनेगी और इधर इधर को भी, ठीक है। अब उसके बीम की बात करते हैं, इसकी बीम टू, ये बीम टू हमारी है जो हमारी सर्कुलर बीम गई है, ठीक है, ये हमारी बीम टू, उसका डिटेल दिया गया है। 16x3 ऊपर हैं, 12x2 हैं, ये ऐसे ही ड्राइंग है, आपको आसानी से रीड करने में आ जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी जानकारी अगर जो छूट गई है तो उसके लिए
आप कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा अगला वीडियो। अभी मेरे पास आरसीसी टैंक की ड्राइंग नहीं है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को हार्ड कॉपी ड्राइंग नहीं है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जैसे ही मेरे पास कोई आरसीसी ड्राइंग आती है, मैं आप लोगों को उसका भी वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं तब।